हर साल की तरह इस साल भी गणपति जी हमारी कॉलोनी में पधारे। मैं और मेरा बेटा गणपति बाप्पा को तिलक लगाने, उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब गणपति बाप्पा कॉलोनी में आते हैं। गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया, वही रौनक चालू हो जाती है। सुबह शाम आरती, सारे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, हमारी कॉलोनी के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज सबको बहुत अच्छे से आरती करवाते हैं, सभी लेडीज लोग भजन गाती है, एक रौनक बन जाती है कॉलोनी में। सभी लोग उस बहाने से शाम को इकट्ठा होते हैं, सब लोग अपने घर से एक एक प्रसाद बनाकर लेकर आते हैं। रोज गणपति बाप्पा को नए नए भोग लगते हैं। सभी जाति के लोग हमारी कॉलोनी में है, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी। लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो हम सब कॉलोनी वाले इकट्ठा होकर सारे त्यौहार को बहुत खुशी खुशी बहुत इंजॉय करके मनाते हैं। उनके लिए गेम तैयार करते हैं, बच्चे खुशी खुशी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखो आज हमारी कॉलोनी में मटकी फोड़ वाला गेम हो रहा है। हमारे बच्चों की एक खासियत है, वो समय से बिल्कुल आरती करने पहुंच जाते हैं। कितना भी खेलते रहेंगे कहीं से भी वो लोग आरती के समय बराबर आ जाते हैं। आरती की तैयारी हो रही है, पांचवा दिन है। सभी लोग अपने घर से महाप्रसादी अन्नकूट का भोग लगाएंगे आज गणपति बापा को। तो सब लोग अपने घर से एक एक चीज बनाकर लेकर आएंगे। सब लोगों को बोला तो एक एक चीज लेकर आने के लिए कहा जाता है, लेकिन सबकी श्रद्धा इतनी रहती है कि इतनी सारी चीजें बनाकर हमारे कॉलोनी की सारी लेडीज लोग लेकर आती है। छप्पन भोग के पहले वाली पूजा की तैयारियां हो रही है, सभी लोग आ चुके हैं और सब लोग अपने घर से बहुत सारी चीजें बना बना कर गणपति बाप्पा के प्रसाद के लिए लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं। आज हमारे गणपति बापा की पांच दिए से आरती होने वाली है। आप देख सकते हैं आज की रौनक कुछ अलग ही रहती है। पांचवें दिन हम सब कॉलोनी की लेडीज लोग पांच पांच दिए अपने घर से सजाकर थाली सजाकर लेकर आती है और सभी लोग अपनी अपनी थाली से गणपति बापा की आरती करते हैं। गरबा भी किया हम सब लोगों ने, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और सब लोग गरबा सीख रहे थे। तो सब लोगों की डिमांड पर एक दिन गरबा का आयोजन भी किया गया। सब लोगों ने खूब धूमधाम से गरबे डांस खूब मस्ती की।
हवन की तैयारी चालू हो रही थी। देखते ही देखते 8 दिन कहाँ चले गए, बिल्कुल पता नहीं चला। हवन की तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग जिनको भी हवन के दर्शन करने थे, पूजा करनी थी, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। महाराज जी ने बहुत अच्छे से हवन की पूजा करवाई, हम सब लोगों ने मिलकर। हवन के बाद गणपति बापा के विसर्जन का टाइम आ गया, एकदम मन भर गया बिल्कुल भी। गणपति बापा जब कॉलोनी छोड़कर गाड़ी में बैठने लगे तो सब बच्चों के चेहरे उतर गए, सारे बच्चे वहां लाइन से खड़े हो गए। और गणपति बापा को जब गाड़ी में बिठाने के लिए तैयारी होने लगी तब सब लोगों के चेहरे एकदम उदास हो गए थे। एक रौनक बन जाती है कॉलोनी में, सभी लोग उस बहाने से शाम को इकट्ठा होते हैं, सब लोग अपने घर से एक एक प्रसाद बनाकर लेकर आते हैं, रोज गणपति बापा को नए नए भोग लगते हैं। सभी जाति के लोग हमारी कॉलोनी में है, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, लेकिन जब कोई त्योहार आता है तो हम सब कॉलोनी वाले इकट्ठा होकर सारे त्योहार को बहुत खुशी खुशी बहुत एंजॉय करके मनाते हैं। हमने गणपति बापा की विदाई भी बहुत धूमधाम से, बहुत जोर शोर से की। We'll be right back.
खूब गरबा किया, खूब डांस किया, सब लोग दिल खोल कर खूब नाचे और इसी तरीके से हम गेट तक पहुँचे। गेट के पास भी सब लोगों ने बहुत गरबा किया, बहुत डांस किया, कोई भी थकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 9 बज गए थे रात के, इसलिए सब लोगों ने बोला कि अब आरती कर लेते हैं एक बार गणपति बाप्पा की। सारे कॉलोनी वाले मिलकर, इस बार हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा रौनक थी, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ, बहुत मजा आया, सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। कोई भी थकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 9 बज गए थे रात के, इसलिए सब लोगों ने बोला कि अब आरती कर लेते हैं एक बार गणपति बाप्पा की। सारे कॉलोनी वाले मिलकर, इस बार हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा रौनक थी, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ, बहुत मजा आया, सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। हम लोगों को इस बार कितना मजा आया इस बात का अंदाजा आप हमारी कॉलोनी की भीड़ देखकर लगा सकते हैं कि सारे उस दिन कॉलोनी के, हमारे कॉलोनी में 102 घर है, लेकिन कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो वहां पर मौजूद नहीं था, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। हमारे कॉलोनी की लेडीज लोग डांस करने से बिल्कुल भी नहीं थक रही थी, बिल्कुल लगातार उनका डांस चालू ही था। लास्ट में हमने गणपति बाप्पा की आरती की और उनकी विदाई की। उम्मीद करती हूँ राजनांदगांव ग्रीन सिटी कॉलोनी का गणपति बाप्पा विसर्जन वाला व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।